दोस्तों गर्मियां आ गई हैं और मच्छरों का आतंक फिर से एक बार बढ़ चुका है। तो ऐसे में मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो दिखाया था जिसमें मैंने आपको ये मॉस्किटो बैट जो है वो रिपेयर करके मैंने आपको दिखाया था, और इसमें मैंने आपको बताया था कि आमतौर पर ये वाला जो इसका बड़ा वाला जो कैपेसिटर होता है जिससे करंट बनता है यही खराब होता है। और मैंने आपको चेंज भी करके दिखाया था कि किस तरह आप इस कैपेसिटर को मात्र 8 रुपये में हासिल कर सकते हैं और इसे घर बैठे ही चेंज भी कर सकते हैं। ज़्यादातर दोस्तों ये मॉस्किटो बैट जो है वो सब चाइनीज होते हैं और इनमें ज़्यादातर सेम सर्किट ही लगभग होता है, सेम टेक्नोलॉजी होती है, तो लगभग यही प्रोसीजर रहेगा चाहे किसी कंपनी का, चाहे आप महंगी कंपनी का भी मॉस्किटो बैट ले लें, यही प्रोसेस दोस्तों रहता है। लेकिन अब उस वीडियो में दोस्तों काफ़ी लोगों ने मुझसे ये कमेंट किया कि हम लोगों ने कैपेसिटर बदल दिया है, बैटरी भी हम लोग चार्ज करते हैं पूरी रात, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद जब अगले दिन जब यूज़ करते हैं तो एक बार तो करंट बनता है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे जो ये लाइट है, जो ये रेड लाइट है, ये बिल्कुल डिम हो जाती है। और काफ़ी लोगों ने कहा कि इसको भी सही करके बताइए। तो दोस्तों पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखिए ये एक मॉस्किटो रैकेट है और ये बिल्कुल चार्ज है और काफ़ी ज़बरदस्त करंट देखिए बन रहा है इसमें। मैंने पिछली बार आपको एक अपना कैपेसिटर जो है पीएफ कैपेसिटर बदल के मैंने दिखाया था, देख सकते हैं काफ़ी ज़ोरदार करंट बन रहा है, आवाज़ भी आपको आ रही होगी, तो ये तो बिल्कुल सही है। इसमें मैंने कैपेसिटर पिछली बार बदला था। अब दोस्तों सेम यही है, इसमें भी कैपेसिटर एक बार बदला जा चुका है, रात भर ये चार्जिंग पे भी दोस्तों लगा रहा। देखिए मैं ऑन इसे करता हूं और अब मैं दबाऊंगा तो लाइट जलेगी, देखिएगा लाइट देखिए जल रही है, देख सकते हैं दोस्तों। अब प्रॉब्लम क्या है, अब देखिएगा करंट भी बनेगा, देखिएगा आप, देखा करंट बना, लेकिन अब मैं बार बार जब इसको दबाऊंगा तो एक दो बार बस और काम करके ये फिर देखिए अब करंट कम हो गया और बिल्कुल जीरो होता चला गया, और मैं बटन लगातार मैं दबाया हुआ हूं, तो आप देख सकते हैं करंट बिल्कुल नहीं बन रहा। तो अब दोस्तों इसको मैं रात भर चार्ज भी कर चुका हूं। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम को आप कैसे सही करेंगे मैं आज आपको यही बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे, और हाँ घंटी जरूर दबाइएगा नहीं तो अगला वीडियो जरूर मिस कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है मॉस्किटो रैकेट और इसी में जो है वो करंट एक ही बार बार बनने की प्रॉब्लम आ रही है, और ये देखिए लाइट जल के बार बार बुझ जा रही है, ठीक है, या ज्यादा देर तक नहीं जल रही और करंट जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको सही करने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, केवल एक हमें स्क्रू ड्राइवर चाहिए स्टार शेप का और छोटा और बड़ा, और इसको वैसे ही हम लोग पिछले वीडियो की तरह ही हम लोग इसे खोलेंगे। ठीक है दोस्तों खोलने के बाद इसको इस तरह बाहर निकाल लेंगे और यहाँ किनारे रख देंगे। कैपेसिटर आप देख सकते हैं ब्लू कलर का मैं पहले ही बदल चुका हूँ, इस तरह का कैपेसिटर पिछले वीडियो में मैंने बदला था, उस वीडियो का लिंक भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में। अब इसमें प्रॉब्लम क्या दोस्तों, बैटरी जो है वो बेकार हो चुकी है, ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि या तो बैटरी खराब होती है और या आपका ये वाला बड़ा वाला कैपेसिटर, तो बड़ा वाला कैपेसिटर अगर बदलना है तो यहाँ पे एक स्क्रू से ये पीसीबी प्लेट भी खोलनी पड़ेगी, और इसको खोलने से पहले छूने से पहले एक बार इसे आप शॉर्ट जरूर कर लीजिए ताकि करंट जो है वो जो है आपको यहाँ पे ना, अगर यहाँ हाथ लगेगा तो आपको एक शॉक लगता है, ठीक है, और इसको आप ऑफ कर दीजिए यहाँ पर इस बटन को, ऑन ऑफ वाले बटन को। अब आप बटन अगर प्रेस भी कर देंगे गलती से तो यहाँ पे चार्ज नहीं बनेगा, तो बची कुछ ही जो बैटरी है उसी से उसी का खेल है। ये बैटरी दोस्तों होती है 4 वोल्ट्स की, एक और रैकेट की मेरे पास ये बैटरी है, देखिए कुछ इस तरह की होती है। अभी मैं मल्टीमीटर से इसकी जो वोल्टेज है वो भी मैं चेक करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों एक रिप्लेसमेंट बैटरी मैं ला चुका हूँ, और कहाँ मिलेगी ये आपको, ये लखनऊ में, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप जाके ले सकते हैं, ये देख सकते हैं। थोड़ी सी इस बैटरी प्रॉब्लम क्या है कि ये थोड़ी सी मुझे मोटे साइज़ की मिली, मुझे सेम इतनी ही पतली बैटरी नहीं मिली थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लग जाएगी, थोड़ा सा हम लोग को ज़रा सा हमें ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा, और इसमें प्लस माइनस भी बताया हुआ है, 4 वोल्ट की बैटरी होती है। मैं मल्टीमीटर से आपको चेक कराता हूँ और इस बैटरी की वोल्टेज भी मैं चेक कराता हूँ। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मल्टीमीटर हो, फिर भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, अगर है तो आप कर सकते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों 4.17 यानी 4 वोल्ट की बैटरी है ये, तो जो भी बैटरी होती है जितनी भी वोल्टेज लिखा रहता है ज़रा सा उससे ज़्यादा ही वोल्टेज आना चाहिए,
यही एक नई बैटरी की पहचान है, तो ये बैटरी बिल्कुल सही है। अब मैं ये जो बैटरी जो अंदर लगी है, बल्कि जो अंदर ये बैटरी लगी है, मैं इसकी मैं वोल्टेज मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग पहले जो इसके कनेक्शंस हैं वो हम लोग निकालेंगे। तो दोस्तों निकालने से पहले आप प्लस माइनस का आइडिया जरूर ले लेंगे। देखिए ये वाली जो तार है, क्योंकि अलग अलग तार का कलर नहीं है, तो आपको प्लस माइनस का आइडिया रखना है। देखिए इधर वाली जो तार है जो स्विच से लगी है वो प्लस है, ठीक है, क्योंकि हमेशा तो हम लोग सोल्डर की मदद से ये हम लोग कनेक्शन जो है उसे खोल लेते हैं, और इस कनेक्शन को भी खोल लेते हैं, ठीक है। इस बैटरी को हम किनारे रख देते हैं ताकि मिक्सअप ना हो। अब इस बैटरी का वोल्टेज मैं आपको दिखाता हूँ। तो प्लस पे लगाएंगे हम लोग प्लस, और माइनस पे लगाएंगे माइनस, और देख सकते हैं आप 2.19 केवल 2.19, यानी बैटरी दोस्तों ये डीप डिस्चार्ज है, और ये काफ़ी एक डेढ़ साल पुरानी बैटरी हो चुकी है, जिस वजह से बेकार हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम लोगों को मात्र 20 से 25 रुपए में बैटरी मिल जाती है, ठीक है। एड्रेस दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप मंगा सकते हैं और खुद जाके ला भी सकते हैं। तो दोस्तों बस अब इसमें प्लस और माइनस का आपको ध्यान रखना है, इसमें प्लस इधर है और माइनस इधर है। तो हम लोग प्लस वाली जो तार है वो हम लोग इधर लगा देंगे और इसको सोल्डर कर देंगे। अब इसको लगाते वक्त दोस्तों एक दिक्कत ये आएगी, यहाँ पे तो ये एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो है एक ये वाली जो इसकी पोर्शन है, मैं स्क्रूज किनारे कर देता हूँ, एक जो ये वाली जो इसकी पोर्शन है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं होता। ये केवल इस वाली बैटरी, क्योंकि बैटरी पतली होती है, बैटरी हिले ना अंदर, ढकर ढकर ना करे, इस वजह से ये एक सपोर्ट दिया रहता है, ये इसके ऊपर आके लगता है, इसमें कोई स्क्रू नहीं लगता है। तो इसको अगर हम लोग इतने पोर्शन को अगर तोड़ भी देंगे या काट भी देंगे कटर से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तोड़ने की कोशिश मत करिएगा वरना इधर से भी डैमेज हो सकता है। तो इसको हम लोग कटर से काट देते हैं इस वाले इतने पोर्शन को, ठीक है। हम लोग एक पेपर नाइफ का यूज करेंगे, और हम लोग ऐसे शोल्डर से भी सीधे काट सकते हैं। हम लोग इसे पिघला के ही हटा देते हैं, देख सकते हैं, ओके। तो इतना पोर्शन मैंने हटा दिया है, अब आप देख सकते हैं घी वाली जो पोर्शन था, जो इस तरह का सपोर्ट था, मैंने हटा दिया है। अब एक बार हम लोग इसे ऐसे ही टेम्परेरी हम लोग मल्टीमीटर को हटा देते हैं, और ऐसे ही अब हम लोग एक बार फंसा के देख लेते हैं कि सब कुछ सही आ रहा है कि नहीं, अभी भी कोई दिक्कत है, ठीक है। दोस्तों बिल्कुल सटीक फिटिंग आ रही है, ये देखिए, ठीक है। पहले जब वो लगा हुआ था, मैंने ट्राई किया था, तो फिटिंग नहीं आ रही थी, तो ठीक है, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। इसका कोई काम भी नहीं है, यहाँ कोई स्क्रू वगैरह नहीं लगता है। तो अब मोटी बैटरी लगानी है, तो ये आपको करना पड़ेगा, और प्लस की जगह प्लस और माइनस की जगह माइनस लगाना है। तो ये स्विच वाला जो तार, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये है प्लस, तो हम लोग यहाँ पे इसको कर देंगे सोल्डर। तो दोस्तों इसके टर्मिनल पे जो है वो सोल्डर थोड़ा सा पकड़ेगा नहीं, क्योंकि टर्मिनल थोड़ा चिकना रहता है, तो थोड़ा सा आपको इसको खुरदुरा बनाना पड़ेगा। तो आप इसको जो है और देख सकते हैं, खुरदरा बनाते हैं कि ऐसा ना हो प्लस माइनस शॉर्ट हो जाए। तो आप थोड़ा सा इसे यहाँ पे ग्राइंड कर लीजिए, चाहे रेगमाल से कर लीजिए, रेगमाल मिल जाएगा आपको। तो देख सकते हैं थोड़ा मैंने इसे घिस के मैंने यहाँ पे इसे खुरदरा कर दिया है, क्योंकि उस पर शोल्डर पकड़ नहीं रहा था। अब हम लोग इसे ट्राई करते हैं। देखिए दोस्तों जिन लोगों का हाथ सेट होता है वो लोग ये काम मिनटों में कर लेंगे, ठीक है। जो कभी कभी करते हैं उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखिए मैंने फ्रिक्शन कर दिया है, तो सोल्डर जो है उस पर रुक रहा है, पहले रुक नहीं रहा था। अब हम लोग को इसी को इस पर तार ये लगा देनी, और प्लस एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, हाँ यही प्लस है। बिल्कुल एहतियात से करेंगे, क्योंकि आप लोग रोज रोज तो ये काम करते नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों प्लस वाली तार लग गई है। अब हम लोग इसे धीरे से ऐसे ऐसे पलट देंगे और माइनस वाली तार लगाने की कोशिश करेंगे। और माइनस वाली के लिए भी वही खुरदरे वाले पोर्शन पे पहले थोड़ा सा सोल्डर रोक देंगे, देख सकते हैं, और इसके बाद और ये भी दोस्तों लग गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं दोनों कनेक्शन लग गया है, तार हल्की सी खींच के चेक भी कर ली, बिल्कुल सही है, कोई लूज वूज नहीं है। और प्लस की जगह प्लस लगाए, माइनस की जगह माइनस लगाए। अब इसको धीरे से दोस्तों यहीं पे मुझे एडजस्ट कर देना है, तो देखते चलिए कुछ इस तरह। और अब शॉक लगने का कहीं डर नहीं, क्योंकि स्विच ऑफ है, जब तक हम ऑन नहीं करेंगे और ये बटन नहीं दबाएंगे तब तक यहाँ करंट नहीं बनेगा, ठीक है। और इसको धीरे से हम यहीं पर एडजस्ट कर दिया मैंने, और इसको भी हम लोग इस वायर को भी
प्लस से माइनस टच नहीं होना चाहिए, है ना। तो माइनस वाली तार जितनी आप दूर कर पाएँ, आप एहतियात से थोड़ा उसको दूर ही कर दें। हालांकि वायर इंसुलेटेड है, ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी जो भी आप प्रिकॉशन ले सकें वो लेने चाहिए। ठीक है दोस्तों, एडजस्ट हो गई बैटरी और बिल्कुल सब कुछ सही लग रहा है मुझे। बस धीरे से हमें कवर बंद कर देना है। और जाल को कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको एक और वीडियो में बता ही चुका हूँ, तो इस वीडियो में जाल वाली बात नहीं करेंगे। देखिए बिल्कुल सही आ गया है। और देखिए अभी मैं स्क्रूज मैंने नहीं लगाए, फिर भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ऑन किया मैंने और ये देखिए लाइट देखिए कितनी ब्राइट है। अरे बाप रे, और अपने आप ही एक स्पार्क हो गया। और अपने आप क्या स्पार्क हो गया, थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा कंडक्टिव मटेरियल लग गया था। तो चलिए पहले हम लोग दोस्तों स्क्रूज को लगा देते हैं। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं बटन में दबा दिया और ये देखिए कितना भयंकर चार्ज बनने लगा। और अब जो है इसकी चार्जिंग जो है वो जा नहीं रही है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं बैटरी जीरो नहीं हो रही। ठीक है, तो बस दोस्तों यही था। कैपेसिटर के अलावा जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बैटरी ही केवल खराब हो सकती है अगर मिस यूज नहीं हुआ आपके रैकेट का। तो दोस्तों कैसा लगा मॉस्किटो बैट रिपेयर करने का आपको ये वीडियो? आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और हमेशा की तरह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम करा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे दोनों चैनल्स टेक्नो तपन और तपन गुप्ता दोनों को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अक्सर लेकर के आता रहता हूँ। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।